हेलो माय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका ये बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है और हम इसे रिबन वर्क के साथ बनाएंगे। इसमें जो रिबन यूज़ होंगे उनका साइज़ ये वाला है। इसमें आप डिफरेंट कलर के रिबन यूज़ कर सकते हैं और ये वाले मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, ये एंकर के थ्रेड हैं। अब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे लेजी डेजी के साथ। और अब जिस कलर का हमें रिबन लेना है उसी कलर का हम ये इस तरह से धागा ले लेंगे पहले थ्रेड। अब हमने जिस तरह से रिबन ले लिया है उसको हम नीडल में डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से काट लेंगे। जो हमने सुई लेनी है वो उसका ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो सुराख है, जो होल है, जो आई है इसकी, ये वाली बिग साइज़ की होनी चाहिए, ज़रा बड़े साइज़ की होनी चाहिए ताकि उसमें से ईजी ये रिबन निकल जाए। तो वो कोई सी भी नीडल हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास ये शनाइल की नीडल्स हैं मेरे पास जो हैं, लेकिन आपके पास कोई सी भी जो नीडल है जिसका ये बड़ी आई है आप उसमें ये डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने नॉट एक किस तरह से लगानी है, ये देखें, इस थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है हमने और इसमें से यूँ हमने गुजार देना है इसे। अब हमने एक को ऐसे उठाना है यूं
फिर ये वाला जो है इसे दबा देना है, इसको यूं उठाना है। अच्छा ये जो है, ये आप जैसे मैंने ये 5 बनाई है, आप इसको 7 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, आप इसको 6 या 4 नहीं बनाएंगे। अब एक को आपने छोड़ते जाना है, एक के ऊपर से गुजारते जाना है। फिर नेक्स्ट टाइम आप ये देखें, इसके नीचे से पहले गुजरा हुआ है, अब हम इसके ऊपर से यूं पास करेंगे और इसके नीचे से गुजारेंगे। इसी तरह से हम सारा ये फ्रेंच नॉट के साथ भर लेंगे और ये भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये था हमारा आज का स्टिच। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।